सुबह सुबह है, लिफ्ट मिल नहीं रहा है। हाँ, मुझे पता है लिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। और हर बार ऐसे ही होता है, जब लिफ्ट नहीं मिल रहा होता है तो आगे जाकर कुछ अच्छा होता है मेरे साथ। तो चलते रहता हूँ, चलते रहना मेरा काम है, रास्तों का क्या है, आता जाता रहता है। और एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब जब लिफ्ट नहीं मिल रहा होता है मैं जगह चेंज कर देता हूँ, आगे जाते ही लिफ्ट मिल जाता है। लिफ्ट मिल गया है। भैया आपका नाम क्या है? तुम्बे बगरा। अच्छा, कहाँ से आप? डिपू बगरा। ओ आगे बगरा। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर है ना? हाँ। और वहाँ से 20 किलोमीटर है बसर? वहाँ से बसर 20 किलोमीटर होगा। यहाँ से तो बगरा 20 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ से 15 होगा। हाँ ठीक है, आप जहाँ तक जाएंगे मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। डैमेज हो गया ना, खत्म हो गया। लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं, पर अभी तो बहुत अच्छा हो गया है ना भैया। 2-3 साल पहले तो ये रोड नहीं था यहाँ पे नहीं था ना। वही सोच रहे कि पहले का आदमी कहाँ कैसे करके वहाँ से सर्वे किया होगा, कैसे सर्वाइव किया होगा। हाँ। नहीं नहीं, ये रास्ता को पहले ऊपर से घूम कर जाता था ना। अच्छा, ऊपर से। हाँ, अभी यहाँ से देखिए वो पूरा रास्ता जहाँ में खत्म हो गया ना, वहाँ से अभी ये पूरा रास्ता निकाल लेते हैं। आपका 3 मिनट लग जाता है। हाँ। नहीं नहीं बोलने से 10-15 मिनट लगता था। हाँ, पहले। हाँ, और इतना चढ़ा है ना वो हमें। हाँ, पूरा ऐसे ऑफ है। हाँ, 75 डिग्री। हाँ, घूम घूम कर जाना पड़ता था, इतना टर्निंग था। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। बाय बाय। फिर मिलेगा भैया। बाय बाय। सो गांव का ये स्टैचू है, यहाँ से आगे चलूँगा फिर से पीछे से कोई आएगा फिर से लिफ्ट मिल जाएगा। भैया जो है उनका गांव इस तरफ है, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। गांव का नाम है बागरा और गांव पाइनएप्पल के लिए पूरा अरुणाचल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। जिस तरफ नज़र जा रहा है सिर्फ पाइनएप्पल और पाइनएप्पल का खेती दिखाई दे रहा है। वाह, अभी मन कर रहा है इस गांव में रुक जाऊं, पर बारिश जो है अभी भी बूंदाबांदी थोड़ी बहुत चली रहा है और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे अभी यहां से और 20 किलोमीटर आगे जाना है। जिसे मतलब ये बना रहे, ये किस चीज का है, कौन सा पेड़ का है? कौन सा पेड़ है, क्या नाम है? पत्ता बोलता है। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हैं? हम ताइक बोलते हैं। ताइक। हाँ अच्छा, तो जब बारिश होता है पानी नहीं जाता अंदर? नहीं नहीं, ये आपका नैनी बोल से भी आप 20-30 ईयर्स तक रहेगा। अच्छा, 30 ईयर्स तक रहेगा? 30 ईयर्स मतलब इसमें कीड़ा भी नहीं लगता? नहीं, वो पुरना हो गया, वो अभी पकड़ लो उसका किस्सा हो गया। हाँ हाँ, मतलब कीड़ा भी नहीं लगता इसमें ना? कीड़ा नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगता। कभी रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, तो अभी जो नीचे से इधर आ रहा था तो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भूल जाता हूँ कई बारी, जल्दी में होता हूँ। वैसे ही बारिश हो रहा है तो सर जी बोले कि आप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और सर जी आलो से है ना, वेस्ट सियांग। और आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर है और अगले 15 दिन तक यहीं पे बारिश होने वाला है। गूगल भाई साहब दिखा रहा है वेदर के जो प्रेडिक्शन है, वो अगला 15 दिन तक यहाँ पे बारिश होने वाला है। वैसे ही बारिश का मौसम आ गया ना, बारिश का मौसम है। अब गर्मियों के मौसम में यहाँ ज़्यादातर तो बारिश ही रहती है। अभी रेस्ट ऑफ इंडिया में आग लगा होगा,
40 डिग्री के आसपास होगा और यहाँ पे बारिश हो रहा है। और दिल्ली में तो लू चल रहा होगा, हमारे उड़ीसा में तो 40 डिग्री चल रहा होगा। टॉप ऑफ द हिल पे आ चुका है, बादल के अंदर से जा रहे हैं। लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश का, और शहर का नाम है बसार। थैंक यू फिर मिलेंगे, बाय बाय। नीचे की तरफ जाएंगे? नहीं ऊपर, ऊपर। तो मैं रास्ते से चलते हुए जा रहा था और भाई साहब मुझे देख के गाड़ी रोके और जिस गांव में मैं जाने वाला हूँ, बड़े भाई जो उसी गांव के आप जी, उसी गांव गोरी टू जी। आपका नाम क्या है ब्रो? करियम बसर जी। अच्छा, आप उड़ीसा से आए हैं? हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ। अरुणाचल में कुछ 40-45 दिन के आसपास हो चुका है, घूम रहा हूँ। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे गए आप? मैं ऑलमोस्ट अरुणाचल कवर कर चुका हूँ, सिर्फ अनिनी नहीं गया और जीरो नहीं गया हूँ। बाकी अभी वहाँ पे जाने का प्लान है कुछ? नहीं, अभी थोड़ा घर जाना है। अच्छा, घर से आके फिर अनिनी मतलब यहाँ जाऊँगा आपका। ओके ओके, जीरो। वैसे तो अभी बारिश आ गया ना। ये कौन सा पेड़ है? बहुत सुंदर है ये वाला। इसको नहर कहते हैं क्या? नहर। बहुत सुंदर है पेड़। ये कौन सा बस्ती है? ये तो बस्ती नहीं है, ये बसर ही है। हाँ, बसर। हर तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? उधर चले जाएंगे फिर? ओह, मुझे छोड़ने आए थे। हाँ भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है यहाँ पे बस आइए, फिर मिलेंगे। कोई बात नहीं, बस्ती वालों से पूछिए क्या क्या कैसे कैसा है। ओके थैंक यू। विलेज का मेन गेट है और भैया जो है वो स्पेशली मुझे छोड़ने के लिए अपना, वो कहीं और जा रहे थे और मुझे छोड़ने के लिए जो है वो यहाँ तक गेट तक छोड़ के फिर वापस अपना काम पे जा रहे हैं। सो लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं। और एंट्री करते ऐसे कुछ नज़ारा देखने को मिलता है और जो पेड़ है ना हर तरफ देखने को मिलता है बसर में, और बहुत सुंदर है भाई, ब्यूटी को जो एनहांस कर देता है, इतनी सुंदर है भाई पेड़।